हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री क्रि क्लासेस एंड माय सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आज की हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग जल्दी से जल्दी आकर हमारे साथ में जुड़ जाएं। सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर आज की जो हमारी क्लास लगी है बहुत ही बेहद रोमांचकारी क्लास है आपकी, बहुत खास क्लास है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बीएससी एग्रीकल्चर के जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी यहां पे पहली क्लास मैंने लगाई है। बिल्कुल ये आप लोग सही सुन रहे हैं कि आपकी यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की क्लास लगी हुई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और इसी को यहाँ पर हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। और सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आकर हमारे साथ में जुड़ जाएं, ठीक है, और लोगों को भी बुला लीजिए, अन्य लोगों को भी बुला लीजिए ताकि और लोग हमारे साथ में आकर जुड़ जाएं, ठीक है। ये स्पेशल क्लास है सभी लोगों के लिए, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्पेशल क्लास है तो कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जुड़ना जरूरी है। ओके, बाकी शेयर करके लोगों को जल्दी जल्दी बुला लीजिए। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एक हमारी सब्जेक्ट है जो कि डेयरी साइंस, आपको मैंने है ना एक सिलेबस की वीडियो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की थी, पहली वीडियो आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने दिया था जो कि मैंने सिलेबस की वीडियो आपको दी थी, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को आज हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं भाई। जो हमारा यहाँ पे पहला और जो दूसरा चैप्टर है, दो चैप्टर आपके यहाँ पे बिल्कुल आज क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से समझिएगा सभी लोग। किसी को भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी तो तुरंत हमको कमेंट करके यहाँ पे जरूर से जरूर पूछेंगे। ओके, बिल्कुल हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आरब जुड़े हैं, कजीन कजीन क्रिएशन जुड़े हैं, ससुला बौस्ती हैं, वेलकम है भाई, वेलकम है, जोरदार वेलकम है। और आप लोगों की हमारी ये सब्जेक्ट जो डेली साइंस मैंने बताया था भाई, डेली साइंस आपकी यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट आप लोगों की, ठीक है, और सभी लोगों से भाई गुजारिश रहेगी कि आइए हमारे साथ में आकर जुड़ जाइए ताकि जो क्लास है अच्छे से चलाई जा सके। भाई आपकी इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट नेम डाल देते हैं, आपकी जो सब्जेक्ट है भाई डेयरी साइंस आपकी है ना, जिसमें आपको यहाँ पे हम डेयरी साइंस का परिचय मतलब कि इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे पहले आपको, ठीक है। आइए हम लोग डेयरी साइंस, आप लोग सुने होंगे भैया डेयरी साइंस को हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, दुग्ध विज्ञान कह सकते हैं, क्यों भैया, है ना, जिसमें आप लोगों को पशुओं के बारे में, दूध के बारे में, जो भी आपके कुछ जो है खाद्य पदार्थ है उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। ओके, और आपको इसमें जो दुग्ध व्यवसाय है उसके बारे में बताना है। कहने का मतलब है कि आप लोग डेयरी वगैरह, जो डेयरी आप लोगों ने सुना होगा है ना, जो दुग्धशाला होती है उनको आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे काफी चीजें अच्छे से सीखनी है ना भाई। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोग अगर डेयरी खोलना चाहते हैं है ना, तो डेयरी खोलने के लिए आप लोगों को डेयरी साइंस का नॉलेज होना चाहिए भाई, डेयरी साइंस आप लोग जरूर पढ़ना है, समझ रहे हैं आप लोग, डेयरी साइंस अगर पढ़ेंगे तभी आप लोग जो है डेयरी के बारे में जो है चीजें जानकारी जो है इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है बीएससी कर रहे हैं इसके बाद में आपका एमएससी भी डेयरी साइंस से होता है, समझ रहे हैं भैया, तो आप लोग डेयरी साइंस से जो है आप लोग एमएससी भी करके आप लोग अपना जो दुग्ध व्यवसाय में आप लोग जो है काफी आगे निकल सकते हैं, बात समझ रहे हैं भैया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों की हेडिंग है भैया, देखिएगा दुग्ध व्यवसाय, इसको हम लोग इंग्लिश में देखिएगा कहते हैं डेयरिंग, डेयरिंग कहते हैं भैया, डेयरिंग, जिसको डेयरिंग, हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, पुराने स्टूडेंट है। तो भैया देखिए दुग्ध व्यवसाय क्या होता है भैया, ये जो दुग्ध व्यवसाय है भैया ये वह विज्ञान है भैया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो दूध भैया, दूध मतलब जो आपका मिल्क है भैया है ना, इसका मिल्क का ही इसमें पूरा खेल है दूध, और भैया इस दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं इनका भैया अध्ययन करते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है भैया, तो यही आपका दुग्ध व्यवसाय भैया। दुग्ध व्यवसाय में क्या होता है भैया, जो दूध और दूध से बने जो भी पदार्थ होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है भैया दुग्ध व्यवसाय में, बात समझ रहे हैं भैया। जैसे कि आपको बता दें कि जो भारत देश है, भारत में भैया दुग्ध व्यवसाय को चलाने के लिए भैया, सफलतापूर्वक चलाने के लिए भैया कुछ बातें हैं जिनका भैया बहुत ही ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिन चीजों को जानने में आप लोगों को भी काफी ज्यादा जो है अच्छा है कि अगर आप लोग जान जाएंगे तो काफी अच्छा आप लोगों के लिए होगा भैया, अगर आप लोग दुग्ध व्यवसाय करने जा रहे हैं भैया। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का भैया देखिएगा डेयरी मैन, देखिएगा भैया
सबसे पहला आप लोगों का भैया कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का भैया डेरी मैन। डेरी मैन जो भैया डेरी जो चलाता है उसको डेरी मैन कहते हैं लोग, डोरोमैन भैया डोरोमैन नहीं कह रहे हैं, डेरी मैन जो दुग्ध का व्यवसाय करता है भैया, है ना भैया, उसको हम लोग जो है डेरी मैन कहते हैं। तो भैया आधुनिक जैसे जो हम लोग डेरी व्यवसाय करते हैं मॉडर्न एज में जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उसको भैया अगर आप अच्छे से चलाना है, सफलतापूर्वक अगर आप लोगों को चलाना है, तो भैया उसके लिए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है भैया, जो कारक होता है जिसकी वजह से जिसकी बदौलत से जो दुग्ध का व्यवसाय है वो चलता है, वो भैया हमारा डेरी मैन होता है। डेरी मैन उसको कहा जाता है भैया, ठीक है। जो भैया इसलिए अगर आप लोगों को डेरी मैन अगर आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग डेरी चला रहे हैं, तो भैया उस व्यक्ति को काफी ज्यादा कुशल व्यापारी होना चाहिए भैया, और उसको ये भी तक के पता होना चाहिए कि कितनी पूंजी कहां पर और कैसे व्यय करनी है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है भैया, ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ी है भाई, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि हमारा सपोर्ट करिएगा भाई, हम जल्द से जल्द आप लोगों की जो क्वालिटी की ये जो प्रॉब्लम है इसको भी हम सही करेंगे भैया। थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, है ना, एक दो मंथ में आपकी जो क्वालिटी है ये काफी अच्छी हो जाएगी। बात समझ रहे भैया, ठीक है। इसके बाद भैया दूसरा पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है भैया कि बाजार से निकटता। अगर आप लोग दुग्ध का व्यवसाय चला रहे हैं तो भैया आपको जो है ये पॉइंट देखना भैया बहुत जरूरी है भैया, कि भैया आप लोग जहां पे डेयरी चला रहे हैं तो उससे भैया डेयरी की और बाजार की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि भैया मार्केट की डिस्टेंस आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो दूध है भैया एक प्रकार से नाशवान वस्तु है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती है भैया, है ना, दूध बिल्कुल बहुत जल्दी खराब हो जाता है, या आप लोग उससे बनी चीजें अगर बनाते हैं तो वो भी जल्दी से खराब हो जाती है, तो इस चीज का जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है भैया, है ना भैया, दुग्ध व्यवसाय में, ठीक है। इसके बाद भैया अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना भैया, दुग्ध नियंत्रण, दुग्ध नियंत्रण अधिनियम भैया, दुग्ध नियंत्रण अधिनियम कहने का मतलब भैया क्या है भैया, ये दुग्ध नियंत्रण अधिनियम है भैया एक मिल्क कंट्रोल लॉ है, ठीक है ना भैया, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है भैया। जो दूध है भैया दूध पर उचित नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है, समझ रहे ना, उस पे जो है फिक्स रेट करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो दूध बेचने वाले और जो दूध खरीदने वाले हैं उन दोनों को लाभ मिल सके भैया। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा भैया। आइए हम लोग चलते हैं भैया, और अगला हमारा चौथा पॉइंट देखते हैं भैया। अच्छा भैया, अरे ये हमारी जो है ना थोड़ा बहुत आदत है, ठीक है, हम यहाँ नहीं कहीं और पढ़ाते हैं तो वहां पर भी भैया बोलते हैं, ठीक है, ये मतलब एक प्रकार से आदत है हमारी, ठीक है। अब भाई देखिए, अब भाई इतना भाई बीएससी लेवल में सब लोग हैं, भैया बच्चा वगैरह तो कह नहीं सकते हैं, बेटा कह नहीं सकते हैं, है ना, तो भैया ही कहते हैं, भैया कहने में ज्यादा सही रहता है हमारे हिसाब से, समझ रहे हैं ना भाई, चलिए कोई बात नहीं, ओके। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है कि अधिक दूध, भाई बिल्कुल अच्छे समझते रहिएगा, अधिक दूध देने वाले पशु, भाई इस चीज का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है कि दुग्ध व्यवसाय में आपको जो आप पशु रख रहे हैं वो अधिक से अधिक दूध देने वाले हों, क्योंकि कम दूध देने वाले अगर पशु होंगे तो आपका ही घाटा होगा। बात समझ रहे ना, समझ रहे, तो डेयरी के बिजनेस में आप लोगों को ये चीज देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट है, आइए देखिएगा, हालांकि थोड़ा सा नीचे कट रहा है, है ना, चलिए ऊपर हम काट के लिखते हैं इसको, उस ऊपर पेज करके लिखते हैं, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज, है ना। नेक्स्ट हमारा फाइव नंबर पॉइंट देखिएगा क्या है, उत्पन्न हुए चारे का अधिकतम प्रयोग, लिख देते हैं, उत्पन्न हुए चारे का अधिकतम प्रयोग। देखिए जो आपका जो चारा पशुओं के लिए जो भी चारा फार्म पर या कहीं अन्य खेत वगैरह में उगाया जा रहा है ना, वो आपको जो है कोशिश में रखना है कि जो है वो पशु को पूरे वर्ष तक के हरा चारा मिलता रहे, समझ रहे ना, ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आप लोग दुग्ध का व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, नहीं नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का भवनों तथा मशीनों पर
कम से कम व्यय करना, कम से कम व्यय करना भवनों तथा मशीनों पर, कम से कम व्यय करना। कहने का मतलब है कि आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोग अगर डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके भवन तथा मशीन जो होती हैं इन पर ज्यादा खर्च ना किया जाए कि आप लोगों ने 10 मंजिल घर बनवा दिया है ना, ये फार्म बनवा दिया, नहीं, बस जितना चाहिए वह उतना ही रखना है, नहीं ज्यादा से ज्यादा, बस थोड़ा जितना हमको चाहिए वो उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं। समझ रहे ना, समझ रहे, तो कम से कम व्यय करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अभी प्रशिक्षण, देखिएगा प्रशिक्षण कहने का मतलब है ट्रेनिंग आपको भी लेना पड़ेगा। अगर आप लोग दुग्ध का व्यवसाय चला रहे हैं तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग की भी काफी ज्यादा जरूरी है। जब आप लोग जो है दुग्ध का व्यवसाय चलाएंगे और अगर आप लोग जो है प्रशिक्षित होंगे है ना, आप लोगों को चीजें पता होंगी, तभी आप लोग अच्छे से डेयरी चला पाएंगे। बात समझ रहे ना, तो एक डेयरी चलाने के लिए आपको प्रशिक्षण भी लेना बहुत ही जरूरी रहता है। बात समझ रहे ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो परिचय था इंट्रोडक्शन में, आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग चलते हैं यहाँ से और दूसरे चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, है ना, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग चलते हैं दूसरा आपका जो चैप्टर है, दूध की परिभाषा। चलिए भाई, यहाँ पे आज इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे दूध की परिभाषा क्या है, आखिरकार डेफिनेशन ऑफ मिल्क क्या है। तो जैसे कि आपको बता दें कि जो दूध है, जो मिल्क है, इसको एक पूर्ण रूप से भोजन माना गया है, पूर्ण भोजन माना गया है। इसमें आपको सब चीजें मिल जाती हैं, लगभग जितने भी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं वो इस दूध में उपस्थित होते हैं, है ना। तो आपको बता दें मनुष्य की पूर्ति के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो आपको दूध में मिल जाएंगे। अगर आप लोग बिल्कुल प्योर दूध आप लोग डेली का डेली ले रहे हैं तो आपको बहुत से पोषक तत्व मिल जाएंगे। बात समझ ना, समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा, जो दूध है, अगर दूध की एग्जैक्ट परिभाषा दी जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्ट परिभाषा देना जो है मुश्किल होता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ आपको डेफिनेशन जरूर बताएंगे। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि जो दूध है भैया, दूध एक उस प्रकार का पशु पदार्थ है, ठीक है। दूध जो है एक प्रकार का पशु पदार्थ है, जो कि जैसे कि अन्य प्रकार के पदार्थ पशु के शरीर में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि पशु के शरीर में जो अन्य प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, उसी प्रकार का जो दूध, उसी प्रकार से दूध भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, पशु का पदार्थ है, पशु पदार्थ है। बात समझ रहे ना, या अगर ये समझ नहीं आई है तो आप लोग अगली बात करिए कि जो दूध है पशुओं की जो है मादा जातियों द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है। इसको जो है क्या किया जाता है, पशुओं की मादा जातियों द्वारा पैदा किया जाता है, जिसको जो बच्चे होते हैं है ना, बच्चे दूध को चूस कर क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। बात समझ रहे ना, चूस करके क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ओके। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी की जो है हम लोग जानेंगे शरीर क्रियात्मक परिभाषा। आइए हम लोग जानते हैं शरीर क्रियात्मक परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम लोग। तो जैसे बता दें, जो पशु होते हैं, पशुओं के स्तन ग्रंथियों का एक स्राव है, जो दूध है पशुओं के स्तन ग्रंथियों का क्या है, एक स्राव है, जो कि नवजात बच्चे के है ना तुरंत पोषण और वृद्धि के लिए बना है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो दूध एक प्रकार से क्या है, दूध एक प्रकार से पशुओं के स्तन ग्रंथियों का एक स्राव है, स्राव है, ठीक है, जो कि नवजात बच्चे के तुरंत जो है पोषण और वृद्धि के लिए क्या है, के लिए बना हुआ है। बात समझ रहे, समझ रहे, ठीक है। तो ये शरीर क्रियात्मक परिभाषा हो गई। इसके बाद आपको हम बता दें, जैसे रासायनिक परिभाषा अगर देनी हो, इसकी रासायनिक परिभाषा अगर देनी हो, तो जो दूध है इस प्रकार, अगर आप लोगों को बताना है जितनी डेफिनेशन बताए इसी प्रकार से, अगर रासायनिक परिभाषा देनी है तो दूध एक प्रकार का विषम रूपी पदार्थ है। क्या है, दूध एक प्रकार का विषम रूपी पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स,
इत्यादि घोल के रूप में पाए जाते हैं। बात समझ रहे ना? तो दूध एक प्रकार का विषम जो है क्या है, विषम रूपी पदार्थ है जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ जो है, ये खनिज लवण घोल के रूप में पाए जाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से ये रासायनिक परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसकी व्यापारिक परिभाषा देनी हो, व्यापारिक परिभाषा अगर आपको देनी हो, ठीक है, तो कैसे देंगे कि जो है जैसे आपको बता दें, जो दूध है केवल उसी पूर्ण दूध को बाजार में नहीं बेचा जा सकता है जो कि गाय और भैंस से सीधे प्राप्त किया जाता है। गाय और भैंस से जो सीधा प्राप्त किया जाता है दूध, उसको ही मार्केट में नहीं बेचा जा सकता है, कुछ और प्रकार से दूध को तैयार किया जाता है। जैसे जो पास्तरीकरण स्प्रेटा हो, पास्तरीकरण हो गया, पास्तरीकृत स्प्रेटा है ना, और दूध को जैसे जो पास्तरीकृत किया गया है या स्प्रेटा किया गया है, ऐसे दूध को बोतलों में भरकर भी बेचा जा सकता है, बोतलों में भरकर बेचा जाता है। तो ये व्यापारिक परिभाषा है इसकी, व्यापारिक है, कमर्शियल डेफिनेशन ये। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कैसी है, ये कॉमर्शियल डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे कि बता दें आप लोगों का कि जो दूध होता है, दूध का रंग नीला सफेद से पीला सफेद तक आप लोग देखे होंगे, नीला तो नहीं देखे होंगे लेकिन सफेद और पीला जरूर देखे होंगे आप लोग। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो दूध का जो रंग होता है वो नीला सफेद से पीला सफेद तक के हो सकता है, ठीक है ना। और दूध जो है क्या है, स्थूल के रूप में, अगर बल्क के रूप में देखा जाए तो दूध एक अपारदर्शी है, अपारदर्शी, कोई विशेष प्रकार का खास कोई स्वाद नहीं होता है, ये कुछ हल्का मीठा हो सकता है। बात समझ रहे हैं, कभी कभी आपको खट्टा भी लगता है जब वो दूध बेकार हो जाता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आइए हम लोग चलते हैं दुग्ध पदार्थ जानते हैं, दुग्ध की डेफिनेशन आप लोगों ने दूध की डेफिनेशन समझ ली होगी। आइए दुग्ध पदार्थ आपको हम बता दें कुछ प्रकार के। मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे आपको आगे पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे आपको क्रीम के बारे में पढ़ना है, मक्खन और घी के बारे में पढ़ना है, पनीर हो गया, दही और मट्ठा हो गया, है ना। तो इस प्रकार के कुछ हमारे जो ये कुछ पदार्थ हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ये कुछ दुग्ध पदार्थ है, दूध से बनाए जाने वाले ये कुछ पदार्थ हैं। बस समझ में आ रही ना। तो ये रहा हमारा चैप्टर दूध की परिभाषा और परिचय, डेयरी साइंस का ये दो चैप्टर आपके सामने यहाँ पे हम लेकर आए थे, और बिल्कुल आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने अगर ध्यान से नहीं सुना होगा तो ही नहीं समझ में आया होगा, बाकी मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में इजिली आ गया होगा, है ना। कुछ हमारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं, शिवम कुमार भी जुड़ गए हमारे साथ में, आई एम बिलोंग उन्नाव। सर कोई लाइव नहीं है, क्या बात है। हाँ भैया लाइव है, क्लास है भाई, लाइव क्लास चल रही भैया हमारी, है ना, हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े भी हुए हैं, ठीक है भाई। तो बिल्कुल यहां से हमारे साथ में जो लोग भाई जुड़े हुए हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जिनको भी नोट्स चाहिए भाई, नोट्स आप ले सकते हैं भाई, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग आएंगे, इस नंबर पे आप लोगों को एक सब्जेक्ट का 50 रुपीज पे करना है, 50 रुपीज आप लोगों को पे करना है भैया एक सब्जेक्ट का, ठीक है ना भैया। अगर आपको नोट्स लेना है भैया, फॉर नोट्स आप लोगों को, ओके, फॉर नोट्स आप लोगों को 50 रुपीज पर सब्जेक्ट। और ये रहा माय नंबर, ठीक है भाई, ये मेरा नंबर रहा, है ना, और आप लोग इस नंबर पे आके मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का ले लीजिए, चाहे आप सेकंड का ले लीजिए, और चाहे आप थर्ड का ले लीजिए। थर्ड का तो अभी स्टार्ट ही किया है तो अभी आप लोगों को टाइम भी लग सकता है, फर्स्ट सेकंड का आप लोगों को बिल्कुल जल्दी से जल्दी मिलने लगेगा, ठीक है, मतलब लगभग मिल जाएंगे, कुछ बहुत थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जो है आपको डेली का डेली मिलना शुरू हो जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा वो आपको नोट्स वो जरूर मिल जाएंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है।
शिवम कुमार सर बच्चों की कमी है भैया, ये थर्ड सेमेस्टर का जो है डेयरी साइंस का लेक्चर चल रहा था, सब्जेक्ट है डेयरी साइंस। ओके भाई रॉकी भाई, ये बच्चों को लाइए जोड़िए बढ़ाइए तभी तो मजा आएगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, जब आप बच्चों को लेके आएंगे तभी मजा आएगा यहाँ पे, है ना, बाकी ऐसे कहाँ मजा आएगा। ओके चलिए फिर चलते हैं, और आज की जो हमारी क्लास थी इस क्लास को हम यहीं से लीव लेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास के साथ में, एक बेटर लाइव क्लास के साथ में, है ना। और बाकी हमारे साथ में जो लोग भी जुड़ रहे हैं भाई, सभी लोग जो है अन्य लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब यहाँ पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तभी यहाँ पे हमको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। और बाकी हमारे इस वीडियो में अगर आए हैं तो प्लीज लाइक वगैरह कर दिया करिए, साथ में कमेंट करिए, है ना, और शेयर करना ना भूलिए, लोगों तक के शेयर करिए, जरूर से जरूर शेयर करिए, जब आप शेयर करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा। ओके चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े उनको वेरी वेरी थैंक्स, ओके गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, सभी को बाय।